हेलो बच्चों बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने इंडियन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना होता है हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अब इसमें शुरू के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हमारे को हिस्ट्री जैसे लगेंगे, क्योंकि सारी कहानी स्टार्ट होती है जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, तब से लेकर आज के करंट सिनेरियो तक। तो खैर, इस चैप्टर में मैं आपको पूरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सारी बातें सिखाऊंगा कि क्या है ये चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और जैसा कि आज है हमारा लेक्चर वन, तो आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सिर्फ आराम से बैठकर इस वीडियो को एंजॉय करना, पूरा देखना, और जो भी बातें मैं बोलूँ, समझाऊँ, कमेंट्री दूँ, उसे सुनते रहना। और ये नोट्स आपको हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर भी मिल जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टर्म से जिसका नाम है कॉलोनियल रूल। सर, ये कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक रूलर कंट्री होता है और वो रूलर कंट्री किसी दूसरे कंट्री या कंट्रीज को रूल करता है, गवर्न करता है। यानी कि वो दूसरे कंट्री की जितनी भी आर्थिक, इकोनॉमिक, यानी कि सोशल या सामाजिक सारी गाइडलाइंस खुद तय करता है और उस कंट्री को रूलर कंट्री की तय की हुई सारी गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो रूलर कंट्री के नीचे दूसरी कंट्री होती है उसे बोला जाता है कॉलोनी। तो ये पूरा का पूरा एक टर्म बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है आज से लगभग लगभग 200-250 साल पहले, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वो व्यापार के बहाने से अपने पैर पसारने शुरू करते हैं। और ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशर्स रूलर कंट्री बनकर बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जिसमें से इंडिया भी एक कॉलोनी था। तो शुरू जो होता है कहानी वो इसी से होती है, यानी कि कॉलोनियल रूल से। अब कॉलोनियल रूल, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिशर्स का रूल, जिसमें उन्होंने हमारे भारत देश को पूरा एक्सप्लॉयट करा। और जब वो हमारे देश को छोड़कर गए 1947 में, तब उन दिनों में हमारे देश की यानी कि इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, ये पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी पुरानी बातें जानने को, सीखने को और सुनने को मिलेंगी, बड़ा मजा आएगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पोजेस्ड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करके छोड़कर गए, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत लो था, यानी कि बहुत कम था, और हमारी इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। सर, स्टेगनेंट किसे बोलते हैं? यहाँ पर स्टेगनेंट इकोनॉमी में स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, या जो एक तरह से बिल्कुल ठहरा हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्लो इकोनॉमी थी जिस समय ब्रिटिशर्स हमें यहाँ से छोड़कर गए। तो अंडर कॉलोनियल रूल हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम था और हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैसी इकोनॉमी थी? एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। अब देखते हैं कि सर, हमारी इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हमें बताइए जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें पढ़ने हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलोनियलिज्म तो हमने देख लिया और कॉलोनी क्या होती है वो हमको पता लग गया। ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट करते थे और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने हमें करा एक्सप्लॉइट। अब उनके इतने बड़े एक्सप्लॉइटेशन के बाद अगर कोई हमसे ये पूछे हमारी हिस्ट्री में जाकर कि बताओ 1947 में इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, तो हम क्या कहेंगे? और एग्जाम में ये चीज़ हमसे 1 या 3 नंबर के अंदर अंदर पूछी जा सकती है। तो हमें बताने हैं मेनली, और जो आज कवर करने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, कि हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्रिवेल कर रहे थे हमारी इकोनॉमी में। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज्यादा बड़ा एक सोर्स था काम काज का, यानी कि हमारी इकोनॉमी हम कह सकते हैं एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी।
एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर मेजोरिटी जनता एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 85% इकोनॉमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपनी रोजी रोटी कमाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो डोमिनेंट सेक्टर था, तीन सेक्टर्स होते हैं बच्चों इकोनॉमी में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। तो जो हमारा डोमिनेंट सेक्टर था वो कौन सा था? एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके बाद दूसरा फीचर, बहुत ही बेहतरीन फीचर, जो हमारे यहाँ फार्मर्स थे, जो वो प्रोडक्शन करते थे वो सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, ना कि वो प्रोडक्शन बाजार में सरप्लस बेचने के लिए करते थे। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टर्म्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब अपने ही कंजम्पशन के लिए फार्मर प्रोडक्शन करता है तब उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में आगे भी पढ़ना है। तो हमारी इकोनॉमी का एक और दूसरा फीचर ये था कि हमारे यहाँ फार्मर्स क्रॉप्स जो उगाते थे या प्रोडक्शन जो करते थे वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए करते थे, ना कि बाजार में बेचने के लिए करते थे। और इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो हम लोग फूड क्रॉप्स उगाया करते थे, हम लोग कैश क्रॉप्स नहीं उगाते थे। सर, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स क्या होता है? फूड क्रॉप्स का मतलब जब क्रॉप्स सिर्फ अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए उगाई जा रही है, और कैश क्रॉप्स का मतलब जब क्रॉप्स को बाजार में बेचने के लिए उगाया जा रहा है। तो हमारे देश में फार्मर्स सिर्फ फूड क्रॉप्स ही उगाते थे। यानी दूसरा फीचर क्या बन गया कि हमारे देश के अंदर फार्मर्स का जो प्रोडक्शन था वो मेनली सेल्फ कंजम्पशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हुआ करता था। इसके बाद तीसरा फीचर, हमारा भारत देश पूरे दुनिया के अंदर फेमस था किस चीज के लिए? अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हाथ के जो कारीगर होते हैं, छोटे छोटे हाथ के बनाए हुए जो आइटम्स होते हैं, तो लोग हमारे हाथ के बने हुए आइटम्स को दूर दूर से खरीदने आया करते थे। और हम पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते थे। तो ये हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा फीचर था। यानी कि क्या क्या फीचर अभी तक हो गए कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट था, नंबर टू हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो डोमेस्टिक या सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता था, नंबर थ्री हम पूरी दुनिया में अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे, एंड नंबर फोर हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले या ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी एंड प्रॉस्पेरस थी। अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम आज़ाद थे, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है कि फला फूला, अच्छा हरा भरा होना, इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि हम अपने आप में सक्षम थे, हमें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये हमारे वो चार फीचर्स थे जो हमारी इकोनॉमी को दर्शाते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो यानी कि एक बार जल्दी से रिकैप अगर लूं तो हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। हमारे फार्मर्स कैसे क्रॉप्स उगाते थे? फूड क्रॉप्स उगाते थे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। हमारी सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस थी। अब हम यहाँ तक तो सीख चुके कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, स्टार्टिंग हुई कैसे ब्रिटिशर्स की हमारे देश के अंदर, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले या यूं कह लो इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। लेकिन अब जो हम मैं चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और आगे जो हमें आगे के चैप्टर्स में कवर करना है वो मेनली अलग 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 नज़रियों से अपनी इकोनॉमी को देखना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर अलग 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 नज़रियों के हिसाब से हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जिनमें से जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नज़रिया हम आज जो कवर करेंगे वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के हिसाब से कैसी थी, क्या उसकी बातें थी, क्या वो अच्छी थी, खराब थी, जो भी चीज़ें थी वो हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे। सबसे पहला फीचर और एक तरह से बहुत ही बेकार फीचर वो था ज़मींदारी सिस्टम, जिसको कहते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। सर, ये ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था? तो बच्चों, ज़मींदारी सिस्टम को समझने के लिए आप अपने मन में थोड़ी विजुअलाइजेशन करो और आप ये सोचो कि एक तरफ है ब्रिटिशर्स जिनका काम है सिर्फ
इंडिया को एक्सप्लॉइट करना और अपने लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा जो हो सके वो लेना। दूसरी तरफ आप इमेजिन करो छोटे छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, जिन्हें हम कल्टीवेटर्स भी कहते हैं, जिन्हें हम टिलर्स भी कहते हैं, या जिन्हें हम स्मॉल फार्मर्स भी कह सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में एक बिचौलिए बैठा दिए गए, जिन्हें इंटरमीडरीज कह सकते हैं हम अंग्रेजी में। उन बिचौलियों का नाम था जमींदार्स। अब इन बिचौलियों की यानी कि जमींदार्स की क्या ड्यूटी लगाई ब्रिटिशर्स ने, बड़े ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को पावर दे दी कि आपके पास ये पावर है कि आप इस बड़ी सी जमीन पर जितना मर्जी कल्टीवेशन करवाइए किसानों से, फार्मर से, और जितना भी ये क्रॉप उगाएंगे उसका कुछ शेयर आप इनसे लगान के तौर पे यानी कि टैक्स के तौर पर ले लीजिए, और लेकिन वो लगान और वो टैक्स आप हर महीने की एक फिक्स तारीख को हमें जमा करवा दीजिए। तो ब्रिटिशर्स ने स्मॉल फार्मर्स और अपने बीच में इंटरमीडियरी की तरह जमींदारों को क्रिएट कर दिया, और जमींदारों का काम होता था उन स्मॉल फार्मर्स से लगान लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। अब इस पूरे सिस्टम को इसीलिए कहते थे जमींदारी या लैंड टेन्योर सिस्टम। तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक मेन फीचर था, लेकिन एक बहुत बेकार फीचर था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कभी ग्रो नहीं कर पाया। तो ये है पूरी कहानी जमींदारी सिस्टम की या लैंड टेन्योर सिस्टम की। पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं आया हूँ बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद दूसरा फीचर हमारे एग्रीकल्चर का, वो था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चालाकी से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कमर्शलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सर कमर्शलाइजेशन क्या होता है, याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग करके एक टर्म, कि हमारे देश में अगर फीचर की बात करते थे हम, तो हम सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही क्रॉप्स उगाते थे। पर ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी करी, उन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा, उन्होंने हमारे फार्मर्स को लालच दिया और ये कहा कि आप फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स को ज्यादा बनाइए। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनको बाजार में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं, जिन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना, जिन्हें हमें सिर्फ बेचने के लिए बनाना है। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को लालच देकर या फोर्स करके ये बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स बनाइए। तो मैं आपको ये पॉइंट देखो रीड करके सुनाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, यानी कि हम सेल के लिए क्रॉप्स उगा रहे हैं रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फार्मर्स पर गिवन हायर प्राइजेस, फार्मर्स को लालच दिया कि हम आपको ज्यादा पैसे देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स बनाएं। सर कैश क्रॉप्स कौन से थे, कुछ एग्जांपल, कॉटन, जूट, ये सारे रॉ मटेरियल्स थे, इंडिगो, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा बनाकर ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करा करते थे और अपने लिए प्रॉफिट्स जनरेट करते थे। तो ये उनकी एक तरह से टैक्टिक्स थी, और बहुत सारे रॉ मटेरियल तो वो अपने ब्रिटेन में ही एक्सपोर्ट करते थे ताकि वो इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे फिनिश्ड गुड्स बना सके। तो ये भी हमारे एक एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर था। इसके बाद तीसरा फीचर अगर मैं आपको बताऊं, तो तीसरा फीचर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का था लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पाद बहुत कम था। सर क्यों कम था, आउटपुट कम क्यों था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो पूरे देखो इसके एक चेन लिंक्स हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि लो प्रोडक्टिविटी के पीछे क्या कारण था। नंबर वन मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज, इरीगेशन की सुविधाएं नहीं थी। भाई प्रोडक्शन तब अच्छा होगा जब आप सही टाइम पे फसलों को पानी दोगे, उनका सही उनको सींचोगे, लेकिन ऐसी कोई सुविधा हमारे पास तब थी ही नहीं। दूसरा डिपेंडेंस ऑन रेन, बारिश पर भरोसा, मतलब हमारे यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्रॉप्स के लिए भरोसा किया जाता था अच्छी बारिश पर, टेक्नोलॉजी का उस समय सहारा नहीं होता था, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। नो मीन्स और इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ऐसा मोटिवेटिंग पॉइंट या कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिलता था एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसमैन को कि वो ये सोचे कि चलो हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है।
तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ना तो इन्वेस्टमेंट हुई ज़्यादा और ये सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी कम रही। इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी उस समय तो बहुत पुअर थी, मतलब कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये सारे वो कारण हैं जिस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और अगर एड ऑन करूँ तो नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई प्रोडक्शन कब अच्छा होता है क्रॉप्स का? जब आप उसमें खाद डालते हो समय पर, लेकिन हम ऐसा कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे। तो ये इतने सारे रीजंस थे जिनकी वजह से एक थर्ड फीचर बन गया लो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद फोर्थ, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के टाइम के लिए कि अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अनिश्चितताएं मतलब कि क्योंकि ना तो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी, हम सिर्फ मानसून पर ही भरोसा करके बैठते थे, ना ही हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा। इसके अलावा ब्रिटिशर्स हमें अलग से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़मींदारी सिस्टम हमारे यहाँ अलग से चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी से जूझ रहा था। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन वॉज रेनफॉल विच रिजल्टेड इन हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई बारिश का कोई भरोसा थोड़ी ना है कि बारिश कब आएगी। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमने रेनफॉल पर कर रखी थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल रहता था। तो ये चार मेन फीचर्स थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के, और हम कह सकते हैं कि यही चार फीचर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो इकनॉमी थी वो एक तरह से स्टेगनेंट थी, या हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ही स्टेगनेंट था या रुका हुआ था। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें जो थी ये आपको ये बताने के लिए थी कि इस तरह से हम चैप्टर में जब आगे पढ़ाई करेंगे तो हर अलग अलग पहलुओं पर फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी इकोनॉमी के फीचर्स थे। तो आओ पूरा रिकैप लेते हैं जो हमने आज सीखा, क्योंकि आज है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर 1। तो शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या हमने आज बातें कवर कर ली हैं। चलो तो क्या क्या बताओगे अब अपने दोस्त को आज के वीडियो के बाद पढ़ाई करके कि देख इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं तुझे बताता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो थी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो था और हमारी इकोनॉमी जो थी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, मतलब रुकी हुई थी। फिर अपने दोस्त से पूछना तुझे कॉलोनियल रूल का मतलब पता है या तुझे कॉलोनियलिज्म का मतलब पता है। फिर उसे समझाना कि देख इसमें एक रूलर कंट्री होता है जो सारे इकोनॉमिक और सोशल डिसीजंस लेता है किसी दूसरे कंट्री के लिए, और उस दूसरे कंट्री को वो सारा फॉलो भी करना पड़ता है, और उस दूसरे कंट्री को हम कहते हैं कि वो तो कॉलोनी है। तो ये रिलेशन जो होता है रूलर कंट्री और कॉलोनी के बीच में, इसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिशर्स का आगमन, या जिसको हम कह सकते हैं कॉलोनियल रूल। अब फिर अपने दोस्त से पूछना कि भाई तुझे पता है कि हमारे इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे इंपॉर्टेंट वाले इंडिपेंडेंस से पहले। तो फिर उसको बताना कि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, 85% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपना रोजी रोटी निकालते थे। इसके अलावा उसको बताना कि हमारे देश का जो फार्मर था वो किस तरह का प्रोडक्शन करता था, सिर्फ कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाता था फूड क्रॉप्स, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, वो कैश क्रॉप्स बाजार में बेचने के लिए नहीं बनाता था। फिर उसको तीसरा फीचर बताना कि हमारी इकनॉमी तो दुनिया भर में फेमस थी, किन चीज़ों के लिए? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। और फिर उसको बताना कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हम कह सकते हैं इनफैक्ट कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, सक्षम थी अपने ऊपर, और प्रॉस्पेरस थी, हरी भरी थी, सोने की चिड़िया थी। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए और सब कुछ एक्सप्लॉइट कर चले गए। तो उनके जाने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा दिखता था? तो आप बताओगे कि मैं बताता हूँ चार मेन फीचर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में होता था ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर ज़मींदार लगान वसूल करते थे स्मॉल फार्मर से और सही समय पर जमा करते थे ब्रिटिशर्स को। तो ज़मींदार एक इंटरमीडरीज का रोल अदा करते थे ब्रिटिशर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में। इस वजह से एक तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही स्टेगनेंट या रुका हुआ रहा। फिर आप बताना कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन लगा दिया, यानी कि फार्मर्स को ज़्यादा पैसे दे के लालच दिया कि आप कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाओ, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, और इन चीज़ों को वो एक्सपोर्ट कर देते थे और मुनाफा वसूल लेते थे, और इन चीज़ों को ही वो ब्रिटेन में भी रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करके अपने फिनिश गुड्स बना लेते थे। तीसरा आप बताना फीचर कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी,
क्यों कम थी? क्योंकि ना तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, हम रेनफॉल पर डिपेंड रहते थे, ना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करता था, टेक्नोलॉजी भी बहुत लो होती थी और फर्टिलाइजर्स का भी हम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चौथा आखिरी फीचर ये बता सकते हो आप कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं और हम सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा करते थे? रेनफॉल पर। तो इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो थी वो स्टेग्नेंट थी या रुकी हुई थी। तो ये बन गई हमारी पूरी एक स्टोरी जो हिस्ट्री भी कवर करती है और हमारे दो टॉपिक्स भी कवर करती है। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।